आज मसाला किचन में बन रहे छह टिफिन बच्चों के, लेकिन जो इसमें खास बात है ना वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जो ऑफिस के टिफिन ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उन्हीं टिफिन से, उन्हीं रेसिपी से हम बच्चों को भी खुश करने वाले हैं। तो आम के आम, गुठलियों के भी दाम, यही हुआ ना आपकी मेहनत एक ही, और उसी मेहनत में आपके बच्चे भी खुश और आपका बढ़िया ऑफिस का टिफिन भी बन चुका है। यहाँ मंडे टू सैटरडे छह टिफिन जो हम बनाने वाले हैं, उसी से ही थोड़ा थोड़ा मिक्स एंड मैच करके हम ऐसे बच्चों के टिफिन बनाने वाले हैं जिससे आपका काम भी आसान हो, उसी से ही आपका बच्चा भी खाएगा बड़े प्यार से, और आपको भी संतुष्टि मिलेगी कि जो हम बच्चों को खिलाना चाह रहे हैं वो खा लेते हैं आराम से। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो संडे के दिन अक्सर सभी लोग, बच्चे बड़े, खाते क्या है? हैवी, किसी भी तरीके से वो हैवी खा लेते हैं। तो मंडे को हमें क्या करना होगा? उन्हें थोड़ा लाइट खाना देना है। तो अब बच्चों को दाल टिफिन में कैसे दें? लीजिए, उनके लिए भी है। ये देखिए, मैंने लिया है आटा, जो बच्चों को हम गेहूं का आटा का पराठा वगैरह बना के देते हैं, उसी आटे में मैंने कुछ न डालकर बस इस आटे को मैंने दाल के साथ गूंथा है। बस कोई नमक डालने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, मिर्ची डालने की कुछ भी नहीं, क्योंकि दाल में सारी चीजें हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। हम यही चाहते हैं हमारा बच्चा दाल रोटी परफेक्ट खाए, तो बस हमने दाल के साथ उसे गूंथ लिया। गूंथने के बाद हम उसे लोई बनाकर इस तरीके से बेल रहे हैं जैसे हम पराठा बेलते हैं। जब इसे हम बेल रहे हैं ना, तो इसके साइड जो हैं, साइड से बिखरे बिखरे लग रहे हैं। अब ये परफेक्ट लगे, सुंदर लगे खाने वाले को भी, तो हम इसे गोल किसी ढक्कन से कट कर लेते हैं। अब इसे पकाइए, चाहे तो बटर के साथ पकाइए, चाहे तो घी के साथ पकाइए, चाहे तो ऑयल के साथ पकाइए, ये आपकी च्वाइस है। एक बढ़िया सा पराठा बनेगा और बच्चे टिफिन में खाकर ही आएंगे। ये टिफिन कोई भी दाल बना रहे हैं, मिक्स दाल बना रहे हैं तो मिक्स दाल का, तुअर की दाल, जो भी आप दाल बनाते हो उसी से ही बना डालिए। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। बन रहा है ना बढ़िया सा पराठा? बस इसी तरीके से एक और पराठा बना लीजिए। बच्चों को अक्सर स्कूल में लंच ब्रेक भी होता है, शॉर्ट ब्रेक भी होता है, तो उन्हें हमेशा आप दो टिफिन दीजिए। तो सारी सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है, मेरा भी पोता इतना ही है, स्कूल जाता है, मैं भी देखती हूँ वो क्या खाता है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है बच्चों का टिफिन बनाने के लिए। यहाँ मैंने दो पराठे बना लिए जो कि दाल के साथ बहुत ही परफेक्ट हैं। साइड सब्जी थी तो मैंने डाल दी है, नहीं होती तो हम कोई भी चटनी, जैम, सॉस कुछ भी रख सकते थे। सैलेड रखना बिल्कुल ना भूलें, एक फ्रूट जरूर रखिए, और साइड में मैंने बादाम रखी हैं। बादाम, किशमिश, जो भी बच्चे खाते हैं ड्राई फ्रूट में, उन्हें जरूर दीजिए। अगर वो नहीं खाते हैं, बारीक कट करके, छोटा करके, किसी दाल में डालकर, खीर में डालकर उन्हें जरूर खिलाइए। चलिए, सेकेंड डे हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था पनीर। पनीर की फटाफट वाली सब्जी बनाई थी, तो बच्चे के लिए मैं क्या कर रही हूँ, नॉर्मल आटा लिया है, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया है, थोड़ी रोटी बड़ी बना रही हूँ और उससे मैं रोटी को सेक रही हूँ। कोई घी वगैरह पहले नहीं डाला था, बस सादी रोटी थी। बस अब मैं उसे पका रही हूँ, रोटी बड़ी है और उसे थोड़ा सा घी लगाकर पका रही हूँ। आप दो बनाना चाहें, जितना आप बनाना चाहें, मैंने क्वांटिटी कुछ नहीं बताई है, बच्चा कितना बड़ा है ये सब आपको पता है। अब जब हमने पराठे को थोड़ा सा पका लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है, अब इसमें क्या करेंगे ये देखिए, थोड़ा सा केचप लगा लीजिए, या हरी चटनी, या मेयोनी, या जो भी आप बच्चे पसंद करते हैं आपके, वो आप घर में रखते ही होंगे, वो लगा लीजिए। अब इसमें एक तरफ डाल दीजिए पनीर की सब्जी। आप यही चाह रहे थे ना, हमारा बच्चा रोटी और सब्जी खाए, अब इसमें ज़रूर खाएगा, वो खेलते खेलते भी इस रोल को 100% खाएगा। और ज़रूरी नहीं है ये रोल मैं पनीर का बना रही हूँ, आप भी पनीर का बनाओ, आपने जो सब्जी बनाई है वो भी इस तरीके से रोल में फिट कर सकते हो। एक बात और, बच्चे के हाथ खराब ना हो तो उसे रोल को आप इस तरीके से रैप जरूर कीजिए। रैप करने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसे कट कैसे करना है, जिससे बच्चा आराम से खा सके। दोनों साइड से पैक करके आप इसे बीच में कट करिए, साथ में कुछ सैलेड जरूर दीजिए। मैंने सिर्फ खीरा रखा है, आप अपने हिसाब से रखिए। कल मैंने बादाम रखी थी, आज मैंने काजू किशमिश रख दिया है। मैंने इसके साथ थोड़ा फ्रूट कट किया है, जैसे मैंगो का सीजन है तो मैंने मैंगो दिया है, और मेरे पास शॉर्ट ब्रेक के लिए मैंने रख दिया है छोटा सा केक का पीस।
अब चलते हैं उनके थर्ड डे के लिए टिफिन बनाने के लिए। आज हमने बनाई है भिंडी। तो भिंडी बच्चों को बेहद पसंद होती है। आप प्याज वाली बनाना चाहें, स्टफ्ड बनाना चाहें, क्रिस्पी वाली बनाना चाहें, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो बच्चों को अगर भिंडी पसंद आती है तो उसके साथ आप नॉर्मल नमक मिर्ची डालकर पूड़ी या पराठा दे देंगे, बच्चे बड़े प्रेम से खाएंगे। फ्रूट में मैंने काटा है एप्पल, शॉर्ट ब्रेक के लिए रख दी है मैंने थोड़ी सी चिप्स। तो इस तरीके से परफेक्ट टिफिन तैयार हो गया है और बच्चा भी खाकर आएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आज हमने बनाया शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च और आलू बच्चे कई तो खा लेते हैं, आप रोल भी बना के दे सकते हो, पर अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना है तो चलिए आज हम ऐसा कर लेते हैं। मैंने क्या किया है, शिमला मिर्च आलू को थोड़ा सा मैश कर दिया है, हल्का सा, छोटे छोटे पीसेस कर दिए थोड़े। यहाँ है मेरे पास आधा कप दही जिसे मैंने फेंट लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं आधा कप बारीक वाली सूजी। मोटी है तो उसे ग्राइंड करके पहले से ही रख लीजिए, रात को ही, अगर पतली है तो इसमें डायरेक्ट डाल दीजिए। बस सूजी डालने के बाद आपको इसे ढक कर थोड़ी देर के लिए रखना है, थोड़ा पानी डालकर, क्योंकि सूजी जो है ना काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब करता है। इसमें मैं कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनो कुछ नहीं डालूंगी। अब चलते हैं उसी मिश्रण को देखने। इसमें स्वाद अनुसार डालती हूँ थोड़ा सा नमक। इसे मिक्स कर देते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं, जरूरत लगेगी तो थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी। यहाँ तवे पे मैंने आधे चम्मच के आसपास थोड़ा डाल दिया ऑयल। अब इसमें एक करछी भर के मैंने इस मिश्रण को डाल दिया। अब जो हमने सब्जी बनाई थी ना, वो सारी सब्जी इसी के ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लगेगी। इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, आलू और इसमें डालकर आप इसे ढक दीजिए। मसाले तो ऑलरेडी हमने डाले थे सब्जी में। फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखिए। थोड़ा पकने के बाद साइडों से थोड़ा ऑयल लगा लीजिए। धीरे से उसे फ्लिप कीजिए। जिस तरीके से गोल्डन कलर का नीचे से पक चुका है, अब वो दूसरी साइड से भी उसी तरीके से पकना चाहिए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। बस डाल दीजिए ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और सेम इसी तरीके से एक उत्तप्पा और भी बना लीजिए। बच्चों को इस टाइप के नाश्ते बहुत पसंद आते हैं। ये दोनों साइड से बहुत ही परफेक्ट पका है और सब्जी भी पूरी पकी हुई थी और बहुत ही उसमें मिक्स हो गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। सैलेड रख दीजिए जो आपके बच्चे खाते हैं या जो आपके पास है, साइड में रख दीजिए एक बनाना। मैंने आज बनाना रखा है और मैंने कुछ कुकीज़ रखी हैं। इन छोटे मोटे नाश्तों से बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं और हम भी बहुत खुश रहते हैं कि उसी से ही हमारा काम चल गया। अब चलते हैं एक और नाश्ता बनाने के लिए। चलिए अब राजमा चावल अगर आपका बच्चा खाता है बहुत खुशी से, तो आप ऐसे ही चावल के ऊपर राजमा डालकर उसे कवर करके दे सकते हैं। पर अगर आपका बच्चा राजमा चावल नहीं खाता है या आपको खिलाना पड़ता है, नखरे करता है, स्कूल में नहीं खा के आएगा, तो थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं इस राजमा चावल को। पैन में थोड़ा सा डाल दीजिए बटर, डाल दीजिए चावल जो आपने ऑलरेडी बना रखे हैं, उसी में डाल दीजिए राजमा। बस रसा थोड़ा कम डालिए, राजमा गाढ़े वाले डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी शेजवान सॉस, जितना बच्चा स्पाइसी पसंद करता है उस हिसाब से डाल दीजिए। सब्जियां हैं आपके पास तो वो भी डाल दीजिए, जैसे कॉर्न है, शिमला मिर्च है, वो डाल दीजिए। नहीं है कुछ तो वो ऐसे ही बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा नींबू का रस, थोड़ा धनिया डाल दीजिए इसके अंदर, बहुत टेस्टी बनेंगे। शेजवान सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और इसे आप एक टिफिन में डाल दीजिए। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, जब भी बच्चों का टिफिन बनाएं या ऑफिस का, आप उसे थोड़ा ठंडा करके ही पैक करें। अब इसे गार्निश कर दीजिए एक टुकड़े पनीर से। है ना बहुत सुंदर सा नाश्ता, कौन सा बच्चा इस नाश्ते को खाने से इनकार करेगा। सैलेड रख दिया है, फ्रूट रख दिया है, साथ में मैंने ड्राई फ्रूट रख दिया है, पैकन नट। एक बात का ख्याल रखें, जब भी बच्चों को कोई ऐसा नाश्ता दें जिसमें आपको चम्मच की ज़रूरत है, वो चीज़ आप पहले ही निकाल के रखें। चम्मच आप बच्चों को ज़रूर दें और पेपर नैपकिन हमेशा दें टिफ़िन के साथ। बच्चा 100% खाली करके आएगा टिफ़िन। आपके पास चीज़ होता तो आप चीज़ भी डाल सकते थे इसमें। चलिए अब चलते हैं लास्ट डे का टिफिन।
उस दिन हमने बनाई थी मिक्स वेज। घबराइए नहीं, आपका बच्चा मिक्स वेज भी खा लेगा, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट दीजिए। रोटी जो बनाई थी ना हमने टिफिन के लिए, वही ले ली है। उसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा टमेटो केचप या ग्रीन चटनी, जो भी आपके यहाँ खाते हैं। उसमें डाल दीजिए मिक्स वेज एक साइड से। अब इसमें डाल दीजिए चीज के स्लाइस। अभी तक मैंने कोई चीज वगैरह यूज नहीं किए थे, तो आज मैं चीज भी डालकर आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने ग्रिल तवा रखा है, थोड़ा सा बटर लगा दिया और टाकोस की तरह इसे हम ग्रिल इफेक्ट देते हुए सेकेंगे। इसी रोटी सब्जी को एक छोटा सा ट्विस्ट देंगे, जिससे बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाए और बच्चा बड़ा प्रेम से खाकर आए आपका। इसे अच्छे से पकने दीजिए। अगर ये तवा नहीं है तो नॉर्मल तवे पर भी आराम से सेक सकते हैं, बस ग्रिल का इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन टेस्टी बहुत बनेगा। मिक्स वेज ही नहीं, पर बच्चे की पसंदीदा कोई भी सब्जी इसमें डालकर बना सकते हैं। सब्जी अगर ज़्यादा ड्राई है तो उसमें प्याज टमाटर वगैरह काट के डाल सकते हैं। आज मैंने फ्रूट में रखा है संतरा और मैंने खीरा सैलेड के लिए रख दिया है। कुछ बच्चों की पसंदीदा चॉकलेट रख दी हैं। बच्चों का भी मन रखना होता है, बच्चों की पसंद के हिसाब से उनकी चीज़ें रखिए, बच्चे आराम से खा कर आएंगे। तो बच्चों के लंच में आप थोड़ा सा मंच भी जरूर रखिए। जब शॉर्ट ब्रेक होता है ना, तो बच्चों को अगर मनपसंद मंच मिल जाता है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को बड़ी आसानी से खुश कर सकते हैं और कम टाइम में ऑफिस के टिफिन और बच्चों के टिफिन बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने 6 दिन के टिफिन बना के तैयार कर दिए हैं। कैसे लगे आपको मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना होगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए।